दोस्तों, मैं आरोही मैदान स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर, जहां मिलेगी सभी छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले, क्योंकि आप देख रहे हैं उभरता हुआ न्यूज चैनल। इसीलिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए पब्लिक रिएक्शन टीवी से, फिर दिए हुए घंटी के बटन को दबाना ना भूले, जिससे हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं अपनी खबर की ओर। आपको बता दें, मौसम विभाग ने दी चेतावनी, इन राज्यों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग के अनुसार देश में वर्तमान में हो रही बारिश के लिए मौसम नहीं बल्कि नए वेदर सिस्टम जिम्मेदार है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनने वाली नमी छोटे बादलों का स्वरूप धरकर देश के विभिन्न राज्यों में मौसम को प्रभावित कर रहे हैं और बारिश की वर्तमान गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में मॉनसून सहारनपुर में एक्टिव है और आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में बारिश के आसार हैं। मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़ और आसपास के क्षेत्रों में 14 सितंबर से बारिश की संभावना है। फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जिसके प्रभाव से अगले 10 दिनों तक सक्रिय रहने वाले मॉनसून का असर मंगलवार से देखने को मिल सकता है। आगामी 14-15 सितंबर को पूर्वी और पश्चिमी यूपी में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक गोरखपुर में सोमवार और मंगलवार को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। वाराणसी में बादल छाने के साथ 16 सितंबर तक हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। आगरा में 13 सितंबर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और 14 सितंबर से बारिश हो सकती है। आगरा में मंगलवार और बुधवार को अच्छी बारिश हो सकती है। कानपुर में आज से अगले 3 दिन तक अलग अलग स्थानों पर बूंदाबांदी व हल्की वर्षा के आसार है। अगले 5 दिनों तक यूपी में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। मुजफ्फरनगर में तेज हवा के साथ होने वाली बारिश की चेतावनी जारी है। अगले 24 घंटों के दौरान इन राज्यों में भारी बारिश के आसार। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, विदर्भ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, दक्षिण बिहार, उत्तराखंड और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, बिहार के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू संभाग, कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात के शेष हिस्सों, केरल और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। दिल्ली मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बूंदाबांदी और हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। इन इलाकों में आज तेज बारिश की संभावना से मौसम विभाग ने इनकार किया है। मौसम विभाग के अनुसार देश में वर्तमान में हो रही बारिश के लिए मॉनसून नहीं बल्कि अन्य वेदर सिस्टम जिम्मेदार है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनने वाली नमी छोटे बादलों का स्वरूप धरकर देश के विभिन्न राज्यों में मौसम को प्रभावित कर रही है और बारिश की वर्तमान गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, ओडिशा के कुछ हिस्से, ओडिशा के कई जिले और साथ ही कर्नाटक के कई इलाकों में इन नए वेदर सिस्टम के प्रभाव दिख रहे हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर दे और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर छोटी बड़ी खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए पब्लिक रिएक्शन टीवी से और घंटी का बटन दबाना ना भूले, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। और लास्ट में, हमारी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे।